सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की रिजल्ट की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस साल भी सीबीएसई ने पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के डीपीएस स्कूल में और हमारे साथ मौजूद है डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी उनका प्रदर्शन कैसा रहा, उनके छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया है। जी सर, इस साल कैसा रिजल्ट रहा? देखिए, इस साल का जो रिजल्ट है वो स्कूलों के द्वारा कैलकुलेट किया गया था और बच्चों की प्रतिभा और उनकी क्षमता के अनुसार उनको मार्क्स दिया गया है। चूंकि डीपीएस का रिजल्ट पिछले कई सालों से हमेशा बेहतर होता गया है और हमारा जो रेफरेंस लिया गया था वो बहुत अच्छा था, इसलिए जो हमारे जो इस साल के भी बच्चों का रिजल्ट है वो अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ जो क्वालिटी रिजल्ट में देखते हैं कि 95% के ऊपर कितने हैं, करीब 90% बच्चे जो है वह उनका 90% एंड अबव है। बहुत से बच्चों का 98% है, 99 तक पहुंच सकता है, तो रिजल्ट अच्छा है जैसा पहले भी होता रहा है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे शामिल थे इस बार? देखिए, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से 40,617 या ऐसे आसपास बच्चे थे जो कि सीबीएसई बोर्ड में 12th में अपीयर हुए थे। रांची से 10,000 बच्चे थे जो अपीयर हुए थे, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं, और अपने डीपीएस से हमारे जो है अप्रोक्सीमेटली 700 बच्चे जो है अपीयर हुए थे, और सभी बच्चों का रिजल्ट जो है सभी बच्चे सफल हुए हैं और अच्छे मार्क्स पास हुए हैं। सर, अगर आप मार्क्स बता दें कि कितना हाईएस्ट गया है मार्क्स? देखिए, अभी जो रिजल्ट है वह इंडिविजुअल बच्चों का निकाला जा रहा है, पूरे स्कूल की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। सीबीएसई विद इन हाफ एन आवर उस लिस्ट को निकाल देगा तो हम बता सकते हैं कि क्या हाईएस्ट है। 98 अभी देखने में आ रहा था कि किसी बच्चे का निकला है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है और इससे ऊपर भी जा सकता है। सर, इस बार कैसा रिजल्ट बना, कैसा एवोल्यूशन हुआ, किस मार्क्स, कैसा इंटरनली कैसा एग्जाम्स जैसा लिया जाता था वैसा तो हुआ नहीं, तो कैसा इस बार का मार्क्स को एवल्यूट किया? देखिए, ये बच्चों का रिजल्ट निकालना इस बार बहुत ही टफ काम था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवीन था, सुप्रीम कोर्ट को दिखाया गया था सीबीएसई के द्वारा कि क्या पैरामीटर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें क्लास 10th के मार्क्स को लिया गया, 11th का इंटरनल लिया गया और 12th का। आप जानते हैं अच्छे स्कूल जो है बच्चों को बड़े कड़ाई से इवेल्युएट करते हैं, फेयरली असेस करते हैं, तो इस रिजल्ट को बनाना बहुत ही टफ था और सभी स्कूल के टीचर इसके लिए बधाई के पात्र हैं जो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेहनत करके फेयरली सभी बच्चों को प्रतिभा के अनुसार उनका मार्क्स देना और मॉडरेट करना, और ये बड़ा काम था जो कि टीचर ने अच्छे से बखूबी जो है उसको निभाया है। सर, क्या लगता है कि एग्जाम होते तब और अच्छा छात्र प्रदर्शन कर सकते थे और अच्छा मार्क्स आ सकता था? देखिए, इसके बारे में बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो रियली एग्जामिनेशन को एंजॉय करते हैं, जो मेहनत करके एग्जाम देते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा करने की उनको ललक होती है, तो वो बच्चे हो सकता है एग्जामिनेशन नहीं देने का कारण थोड़ा मिस कर रहे हों या इस प्रक्रिया से थोड़े बहुत संतुष्ट न हो। लेकिन बहुत सा लॉट देखिए मीडियोकर भी है, जो बच्चे इस कोरोना से सफ़र किए हैं, जिनके फैमिली सफ़र किए हैं, पेरेंट्स सफ़र किए हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनको इंटरनेट नहीं मिला है, तो उन बच्चों को देखा जाए, अगर टोटलिटी में देखा जाए तो यही एक बेस्ट वे था रिजल्ट को बनाने का और रिजल्ट निकालने का। जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे डीपीएस के प्रिंसिपल राम सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार भी एग्जाम जो हुआ, 12वीं का जो रिजल्ट निकला उसका 100% अच्छा रिजल्ट रहा। बाइस्कोप के साथ करिश्मा सिन्हा, रांची।